अभी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं और मेरे मॉम डैड दोनों पीएचडी होल्डर्स हैं, तो उनको भी जब हम पहली बार ये बोले थे कि हमको फोटोग्राफी करना है तो दे वर लाइक कि वो शॉक हो गए। शॉक इन द सेंस क्या मतलब, तुमसे बात ही नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। यार ये वीडियो कंटिन्यूएशन पार्ट है पाइनियर डॉम 1.0 का, जिसमें आपने देखा था स्टार्टअप मीट जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा था एमिटी यूनिवर्सिटी पटना में। तो यार उसमें एक हमारे गेस्ट आए थे जिनका नाम था सौरभ अनुराज सर, जो कि टॉप इंडिया के टॉप 20 वेडिंग फोटोग्राफर्स में से हैं। यार उनका एक फोटो वायरल गया था 18 या 19 के फ्लड में, तो आप रिलेट कर सकते हो कि सौरभ अनुराज सर कौन है और ऑलमोस्ट बिहार के लोग उन्हें जानते हैं। तो यार आइए सुनते हैं उनके बारे में, उनका स्ट्रगल। एक मतलब कि जहाँ बिहार में फोटोग्राफी ना, मतलब लोग सुनते हैं कि भाई क्या कर रहा है, लड़का बर्बाद हो गया है, और उनके फादर एंड मदर दोनों पीएचडी होल्डर्स हैं, और जब वो अपने पेरेंट्स के सामने बोले हैं कि हमको फोटोग्राफी करना है तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या था, और देखते हैं ये पूरा वीडियो, मतलब ये आपको इंस्पायर करेगा यार, ताकि कुछ अपना नया कर सको। तो शुरू करते हैं ऐसे आज का वीडियो, और अगर वीडियो में पहली बार देख रहे होगे तो वो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद वीडियो देखना। और अगर पाइनियर डॉम 1.0 का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आई बटन में भी लगा दूंगा, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत सारे स्पीकर्स का डाला हुआ है, और सारे वे स्पीकर्स का मैं मतलब डेडिकेटेड डालता रहूँगा, बट उसको देखना पहले, तब पता चला कि पाइनियर डॉम 1.0 क्या था और कैसे इवेंट्स एमिटी यूनिवर्सिटी पटना ऑर्गेनाइज कराता है। तो शुरू करते हैं ऐसे वीडियो। एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी पटना। सिंस यस्टरडे वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लिसन सम ग्रेट पर्सनालिटी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, सो नाउ एज द होस्ट वी आर डिलाइटेड टू वेलकम माय नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर सौरभ अनुराग सर। सर प्लीज। ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फोटोग्राफर एंड फाउंडर ऑफ मियाओ स्टूडियो। ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हिलसा नालंदा बिहार। He has completed his higher education from his hometown as well as Patna. Then, sir went to Vellore Institute of Technology. But, sir was having a very different perspective to live his life. That's why, sir has chosen his passion and made a career as a professional photographer. Sir has a very keen interest in interacting with youth, and so that sir has a YouTube channel also where he posts some tutorials, camera reviews, and for this also so that the people who are into photography can come and polish their skill. And today also sir will mostly share his journey and review, and will tell you that what is photography and what is the field of photography. He is a youth icon for many, and while giving the brief introduction of Mr. Saurabh Anuraj, we both can feel the enthusiasm and excitement among the attendees. Thank you. तो सबसे पहले तो थैंक यू अमिता पटना हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बेसिकली क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि फोटोग्राफर्स को थोड़ा हर चीजों में साइड रखा जाता है। बहुत कम ऐसा जगह हुआ है कि मतलब फोटोग्राफर्स को ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है बोलने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग का एक हुआ है ना, मेरे पापा भी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं और मेरे मॉम डैड दोनों पीएचडी होल्डर्स हैं, तो उनको भी जब हम पहली बार ये बोले थे ना कि हमको फोटोग्राफी करना है तो दे वर लाइक कि वो शॉक हो गए। शॉक इन द सेंस क्या मतलब, तुमसे बात ही नहीं करना। तो सबसे पहले मेरा ये था ना कि हम पढ़ाई में बहुत आगे थे, पढ़ते खूब थे, मतलब ऐसा होता था ना कि बिहार में बाढ़ वाढ़ बहुत आता था, तो नालंदा में हम रहे हैं और पढ़ाई वहीं से किए हैं, तो बाढ़ आया हुआ रहता था, हम चौकी पे बैठ के, चौकी जानते हो ना आप लोग, हाँ चौकी, और उस समय लालटेन होता था, लाइट वेट कट जाता था बाढ़ आता था, तो उस टाइम हम बैठ के पढ़ते थे, मेरी मम्मी मना करती थी कि अरे आज छोड़ दो, आज मत पढ़ो, इस टाइप से हम पढ़ रहे हैं। तो 10th 11th 12th तक हम ऐसे ही कंटिन्यू किए, और पहले रील वाला कैमरा आता था छोटा, उससे फोटोज खींचने मांगते थे तो मिलता नहीं था, रील बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, उससे मत खींचो। तो पहली बार जब हम VIT गए, पास आउट किए वहाँ पे, और वहाँ पे गए सिलेक्शन हुआ मेरा, तो मेरे मॉम डैड और मेरे फैमिली में जितने भी लोग थे बहुत खुश थे, और मेरे मॉम डैड क्या मैं अकेले चाहिए, तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे से था कि हम जो भी करें पढ़ाई के मामले में करें और इसी मामले में आगे बढ़ें। वहाँ गए, सोनू निगम आने वाला था कॉलेज में, पापा को बोले कि पापा आप थोड़े एक कैमरा दे दीजिए,
एक कैमरा दे दिया, छोटा वाला पहला कैमरा मिला और वहीं से मेरा जर्नी जो है स्टार्ट हुआ। और उसी छोटे वाले कैमरा से ये फोटोज लेना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ के जो चांसलर थे उनका मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने कहा कि तुम VIT का जो फोटो क्लब है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे सारा कुछ करो। तो हम ज्वाइन किए। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद क्या पता चला, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। उनके पास 2010 में DSLR होता था, हम लोग पहले दूर से देखते थे DSLR ऐसा होता है, वो भी हिम्मत नहीं था कि भाई थोड़ा दिखा दीजिए। वहां से स्टार्ट हुआ। करते करते मेरा जो फोटो एल्बम था VIT का, उस पर 100 लाइक्स पहली बार आया था फेसबुक पे। उस टाइम पे 100 लाइक्स बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। बिहार वाले जितने दोस्त हैं सबको हमने पार्टी भी दिया इसके चलते कि भाई 100 लाइक्स आए फेसबुक पे मेरे। और ऐसा करते करते क्या हुआ ना कि इतने फोटोग्राफी में इन्वॉल्व हुए थे कि एग्जाम्स हैं कल वो नहीं पता था। हम बैंगलोर गए हैं, उधर से कहीं और चले गए फोटोज खींचने, आते थे वापस हॉस्टल में तो पता चलता था कि 400 रूम्स हैं हॉस्टल में, उसमें से एक लौता रूम खुला हुआ मेरा है। नीचे जो डीन थे वो आते थे बोलते कि तुम एग्जाम देने नहीं गए, एग्जाम था पता ही नहीं चलता था, मतलब इतना इन्वॉल्व हो चुके थे उस टाइम पे। तो उनके साथ बैठ के लूडो खेलना, चेस खेलना ऐसा होता था। तो बोलते थे कि ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, कंटिन्यू कैसे होगा। एक मेरी इंग्लिश की मैम थी, प्रोफेसर थी वो, अजंता सरकार नाम था उनका। उनका क्लास में हमेशा पीछे बैठते थे, भाग जाते थे, तो बहुत बार पकड़ी हमको। तो वो हमको स्टार्टिंग में समझाई कि देखो अगर तुम्हारा इस चीज में, इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो इस चीज में कंटिन्यू करो, क्यों इस चीज में जबरदस्ती रह रहे हो। धीरे धीरे हमको भी रियलाइज हो गया 6 महीने में कि इंजीनियरिंग मेरे बस का चीज नहीं है। मतलब प्रायोरिटी पहले पढ़ाई था मेरा, 11 12 तक मेरा प्रायोरिटी जो था पढ़ाई था, लेकिन कैमरा आने के बाद मुझे वो प्रायोरिटी पता चल गया कि एक्चुअल में मेरा क्या हॉबी है, क्या पैशन है। तो वहां से मैंने स्टार्ट हुआ। दोस्तों थे, दोस्तों होती है घटाओ क्या करोगे, छोड़ो घटाओ, जाओ अपना कॉलेज छोड़ो, ये करो वो करो। तो वहां से मैंने स्टार्ट हुआ। पापा से फाइनली बात किए, पापा हमसे ना हो पाएंगे। और 3 इडियट मूवी भी उसी टाइम आई थी, देखे थे तो सोचे कि भाई 4 साल वेस्ट करने से अच्छा है कि हम पहले ही साल जो पैसा दिए है बस उतना रह लेते हैं कॉलेज में, खा पी लेते हैं यहाँ का, उसके बाद निकल जाते हैं। वहीं से मेरा जर्नी जो है स्टार्ट हो गया। और VIT में रहते हुए भी जो मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि वहाँ पे बहुत सारे DSLR वाले लोग थे, लेकिन हमको वहाँ पे बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिला था उस छोटे वाले कैमरा से। उनको पीछे करके मेरे इसमें आना, एंड उसमें बहुत ज्यादा पतले दुबले हुआ करते, एक तो कितने की लाइक होता नहीं है कि अभी इस ब्लेजर में 2 लोग कट है ऐसे, फिर भी लोग वहां पे दबंग बुलाते। पता है क्यों? क्योंकि हम बिहार से थे और बिहार का उसमें था कि थोड़ा इमेज वैसा बना हुआ था, और सबको पहले से पता था कि इसको कॉलेज छोड़ के जाना है, तो सबको डरा के रखते, देखो हमको कॉलेज छोड़ के जाना है, कुछ लड़ के भाग गए कॉलेज छोड़ के, तो इसीलिए सब हमसे बहुत डर रहा था। तो लास्टली वही हुआ कि कॉलेज छोड़ने का डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया। घर हम छोड़ छाड़ के सारा कुछ वापस आ गए कि हमको नहीं करना है। मेरे मॉम डैड मेरे से बात नहीं किए, 2-3 महीना हो गया घर पे ही रहते थे, बात करना बंद था। नहीं होता कि पेरेंट्स बात नहीं कर रहे तो खाना कैसे खाओगे, रहोगे कैसे, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। और मेरे पास इतना पैसा था नहीं कि हम जाके कहीं पे भी कोर्स कर सके, बहुत एक्सपेंसिव आता है फोटोग्राफी का कोर्स वगैरह, 2-2 लाख 1.5 लाख का, जहाँ भी फोन करते थे पता करते थे ऐसे नहीं होता, और घर से पैसा ले नहीं सकते थे। लास्टली हम एक फ्रेंड से बात किए, दिल्ली गए, वहाँ पे फोटोग्राफी का कोर्स करने का पैसा तो नहीं था, कुछ सेविंग्स था 40-50 हज़ार रुपये इधर उधर करके बताए थे, फोटोग्राफी का कोर्स तो नहीं कर पाए। और लेकिन ये स्टार्ट किए कि हम एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फोटोग्राफी के बाद जो वहाँ पे VIT में हम थे उसके बाद एडिटिंग करना स्टार्ट किए। देन क्या हुआ कि थोड़ा बहुत काम कर करके मेरे पास कुछ पैसा आया, करीब 15-20 हज़ार रुपये कमाए। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कैमरा लिया, वो भी DSLR नहीं था। देन क्या हुआ कि जिस हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, मैक में पढ़ रहे थे, बहुत लोगों को पता होगा मैक एनिमेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम एडोबी का कोर्स कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक दिल्ली CG एनिमेशन अवार्ड होने वाला था, और उसमें सिलेक्शन होने वाला था कि कौन वहाँ का ऑफिशियल फोटोग्राफी करेगा। तो मेरे पास DSLR था नहीं, हम पहले से ही साइड थे भाई, हम तो भाई ऐसे भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ के एक सर थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम साइड से बस फोटोग्राफी करो, ऑफिशियल फोटोग्राफर हम लोग का रहेगा, जो DSLR से शूट करता है वो रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि उस इवेंट में हम फोटोज क्लिक किए, वहाँ पे जन्नत 2 के प्रमोशन के लिए इमरान हसमी और ईशा गुप्ता,
उस एनिमेशन शो में उनका फोटोज क्लिक किए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। पहली बार इतने बड़ा सेलिब्रिटी का फोटो खींचना बहुत बड़ा बात था। दूसरी फोटो खींच रहे, खुश थे, घर आए, अपलोड किए फोटोज फेसबुक पर, अपलोड था उस टाइम पे, फेसबुक पर अपलोड किए, और पता नहीं उनको कहाँ से वो फोटोज मिल गया, ईशा गुप्ता फोटो लेके अपने फेसबुक पे डाल दी, और पिक क्रेडिट में सौरभ अनुराज जीत गई थी। वो मेरा पहला पिक क्रेडिट वाला फोटो था, एक सेलिब्रिटी आपका फोटो मतलब डाले, और जब हम कुछ ना हो, कुछ नहीं था उस टाइम में, और पूरा कॉलेज में पूरा एकदम हल्ला हो गया कि सौरभ का फोटो ईशा गुप्ता डाली है, ऐसा वैसा पूरा एकदम नहीं होता, एक अचीवमेंट जैसा था। वहां पे भी उनको लगा कि नहीं, डीएसएलआर यहाँ पे भी नहीं है मेरे पास, लेकिन हमको कुछ ना कुछ मिल गया, किसी और का फोटो नहीं आया था, तो ये बहुत बड़ा चीज हुआ। और स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि मेरे साथ बहुत चीज हुआ कि बिहारी होने से लोग बहुत कुछ फेस करते हैं बाहर, अभी भी कहीं कहीं पे होता है कि बिहारी को थोड़ा सा देखा जाता है इस नजरिए से कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अदर स्टेट वाले से उनको कम कभी कभी सोचा जाता है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वहां पे भी मेरे साथ हुआ था, बहुत बार इस चीज को लेकर झगड़ा हुआ, वो लोग बोलते थे कि भाई बिहार में क्या, तुम लोग फोटोग्राफी को लेकर कुछ है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ सुनने को मिलता था, बहुत कुछ मिलता था। तो मेरा यही ड्रीम था ना कि चाहे जो हो जाए, हमको यहाँ से जो भी करेंगे हमको बिहार में रख के रहना वहीं पर। हमको वहाँ पे नेट जियो से ऑफर मिला, WHO से भी ऑफर मिला जॉब के लिए, लेकिन हमको वो जॉब नहीं करना। हम वहाँ पे 500 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया में असिस्टेंट का भी काम किए हैं, हेल्प किए हैं जा के वेडिंग्स में, शूट वगैरह में, और बहुत खुश थे उस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम था, 150-200 रुपये से कोई प्रॉब्लम, फ्री में भी काम किए हैं बहुत कुछ। स्टार्टिंग में हर कोई कोई ये एक्सपीरियंस के लिए करना पड़ता है, और हम वहीं से स्टार्ट किए हैं। जब मेरे पास थोड़ा बहुत आ गया, जब हम 2-3 हज़ार रुपया कमाने लगे थे महीना का 2-3 हज़ार कमाने लगे थे, तो लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हम कमा रहे हैं, अब हमको वापस बिहार जाना है, बिहार में काम करना। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज ऋतुराज एंड आई एम फ्रॉम BA JNMC। सर माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक, हम लोग सर जैसा जानते हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर है सर इंडिया में, बट सर ऐसा क्यों नहीं है कि सर हमारे यहाँ के जो फोटोग्राफर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी क्यों नहीं है सर? ऐसा हम लोग का कम्युनिटी खुद इतना बड़ा है, उनको जाने की जरूरत ही नहीं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर गूगल में सर्च करो और सब इंडिया के ही मिलेंगे। अभी वेडिंग फोटोग्राफर अवार्ड में सबसे ज्यादा सर्च करो, देखो इंडिया के मिलते। तो इंडिया जो है ना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज के लिए, जितना टैलेंट इंडिया में है ना दुनिया में कहीं नहीं है, नो डाउट। हम लोग बाहर के ट्रेंड को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सब चीज यही है, लोग एंड में चल के यहीं को किसी जगह को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर वाला कुछ है और इंडिया वाला अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर कि आप कभी भी जब फोटोग्राफी करते हैं सर, तो आप जब फ्रेम सेट करते हैं तो सर सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप क्या क्या चीज ध्यान देते हैं एक फ्रेम सेट करने में कि हाँ ये फ्रेम में क्या क्या चीज होना चाहिए नॉर्मली? एक क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग होता है कि एक हम सर जैसे हम भी फोटो खींच रहे हैं तो उसपे मेरे लिए सर मेरा परसेप्शन अलग होगा कि हम मेरा फ्रेम क्या रहेगा, बट आपके अकॉर्डिंग क्या रहता है सर वो फ्रेम? सबसे पहले जब स्टार्टिंग करो ना फोटोग्राफी, तो ऐसा बोला जाता है कि पहले का आपका 10,000 जो फोटोज है ना वो बेस्ट है। बेस्ट क्यों है कि उस समय आप सीख ही रहे हो, मतलब उसके आगे भी सीखना तो लाइफ टाइम है, लेकिन वो बेस्ट इसलिए होता है ना क्योंकि उसके पहले का कुछ मतलब नहीं बनता है। आप उसके बाद जब फोटोज लेते हो, जैसे अगर मान लिया जाए हमको बोला जाए कि इसी जगह का फोटो खींचना है, तो क्या करोगे आप? 10 फोटोज क्लिक करोगे, 10 फोटो 15 फोटो क्लिक करोगे, उसके बाद आप उसमें से चूज करोगे कि कौन कौन सा बेस्ट है, ठीक है। वो अपने आप पता चलेगा, फ्रेमिंग देखोगे, सब कुछ देखोगे, 2-4 लोगों से फीडबैक लोगे तो पता चलेगा कि कौन सा फोटो बेस्ट है। अगली बार से जब 4-5 बार आप ऐसा शूट कर लोगे, उसके बाद आपको पहले से पता रहेगा कि नहीं हम इस जगह से लेंगे ना तो ये फ्रेम ज्यादा अच्छा आता। तो पहले 15 फोटोज लेते थे, अपने आप वो 3-4 फोटो चेंज हो जाएगा। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना वही बताता है कि आपको कैसे फोटोज लेना है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि लाइक बहुत लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर हम किसी फैशन शूट में जाते हैं या फिर ब्राइड का फोटोज खींचने जाते हैं, सबसे पहला चीज क्या पूछते हैं पता है कि आपका कौन सा प्रोफाइल अच्छा है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट प्रोफाइल कौन सा। अगर दूसरे साइड से फोटोज लेते रहोगे ना हमेशा ही बोलते नहीं ये फोटो अच्छा नहीं, वहां पर टाइम वेस्ट होगा आपका।
तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको पहले से ऑब्जर्व करना है, उनको कैसा फोटोज अच्छा लगता है, सेल्फी कैसे लेती है, सेल्फी अगर ऐसे लेती है तो ये प्रोफाइल ज्यादा अच्छा, ठीक है, उनको किस एंगल से चाहिए, नीचे से शॉर्ट्स अच्छा लगता है, ऊपर से शॉर्ट्स अच्छा लगता है, तो वो सब चीज हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग को हर फोटोज लेना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे चलते हैं। थैंक यू सर। गाइज अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि ये कोरोना वाला चक्कर थोड़ा लो हो और बिहार में घूमने की जगह टूरिस्ट प्लेसेस खुलें तो दिखाते हैं नया चीज़, अदरवाइज फिर कुछ ना कुछ दिखाएंगे यार, अच्छा दिखाएंगे जो आपके लाइफ को मतलब एक तरीके से आपके लिए बेटर होगा, उस वीडियो को देखकर ना आप कुछ वैल्यू लेकर जाओगे, तो उसके लिए वो चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।